हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 21, ठीक है। और 9.12 स्टार्ट करेंगे। 9.12 जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसका जो नाम है, टॉपिक है, वो क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें जो टॉपिक का क्या नाम है? पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है इसका, हमने नाम पता है। और इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें क्या कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इसमें बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 ही आज हम पहले करेंगे। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ऊपर तो डी एक्स आ जाए या कुछ भी आ सकता है। डी एक्स अकेले ना, डी एक्स आ सकता है या कोई और भी टर्म आ सकती है। लेकिन नीचे वाले ध्यान देखो, नीचे क्या देखो, मान लो मैंने तीन फैक्टर ले लिए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में है, ठीक है। ये तीन फैक्टर, तीनों कैसे लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ एक्स के पर वन है, यहाँ एक्स के पर वन है, यहाँ एक्स के पर वन है, तो क्या सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। ए और बी क्या है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में हो नीचे और सारे फैक्टर लीनियर हो, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है। जिसका भी इंटीग्रेशन करना हो, उस सारे को हमने क्या करना है, उसको हमने ऐसे एज्यूम करना है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है। इन फैक्टर्स को बारी बारी मान लेंगे, ए के अपॉन में करेंगे पहला फैक्टर, बी के अपॉन दूसरे फैक्टर, सी के अपॉन तीसरा फैक्टर, अपन इसको मान के ना इसको कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये टाइप है। दूसरी टाइप क्या बनती है, दूसरी टाइप देखो, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्यूब, मान लो ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ फैक्टर तो लीनियर है, लेकिन यहाँ पर ये तो लीनियर फैक्टर की वन पावर, यहाँ पर पावर तीन आ गई, तो पावर्स के फॉर्म में आ जाए और फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, लेट। फिर हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए हम इसको ऐसे एज्यूम करके करेंगे स्टार्ट, ए अपॉन पहला फैक्टर तो यहाँ पाए हो। अब ये तीन पावर है, तो तीन पावर कैसे खोलोगे, बी अपॉन इसकी पावर एक, सी अपॉन एक्स माइनस बी की पावर टू हो जाएगी, और डी अपॉन एक्स माइनस सी की पावर थ्री हो जाएगी। अगर यहाँ फोर पावर होती तो क्या होता, अगला ई अपॉन हो जाता है एक्स माइनस बी की पावर फोर। ऐसे हमने एक एक वो करना है, जब तक पावर तीन ना हो तब तक, ठीक है। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जिसको फॉलो करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया इसके सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में क्या मिलेगा आपको, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, ये देखो ये लीनियर फैक्टर, ये कैसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी एक आधा फैक्टर क्वाड्रेटिक आए, तो कैसे करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी को क्या मानेंगे, देखो ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस ये कैसा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, लीनियर बटे में मान लेंगे क्वाड्रेटिक, लो ये लीनियर ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक मान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो जो फैक्टर लीनियर उसका तो कॉन्स्टेंट अपॉन लीनियर, और ये क्या है, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर हमने लीनियर बनाना है। तो लीनियर में तो पावर मैक्सिमम वन डालनी पड़ेगी एक्स की, तो मैंने एक्स की पावर वन ले लिया, और बी और सी के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। इस टाइप का फैक्टर मान के ना फिर इसको सॉल्व करना है। तो तीन टाइप मैंने आपको लिखवाई हैं, ठीक है। अभी अब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर टाइप का मैं तुम्हें दो दो क्वेश्चन कराऊँगा, कर दोगे आराम से, ठीक है। जैसे मतलब इंटीग्रेशन में अब क्या अच्छी बात चल रही है, ये बात अच्छी चल रही है कि भाई अब इसमें आपको एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दो, टाइप अपने आप हो जाएगी आपकी, ठीक है। डाउट्स अगर आते हो, क्योंकि आगे आगे हम वीडियो की संख्या कम करेंगे, जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे वो अब कम करेंगे और जूम क्लास पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। मनीष सर यही बोल रहे थे हमें कि अब अपना जूम क्लास जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दो और वीडियो कम कर दो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो अगर कम होंगे तो फिर वीडियो में सिलेबस भी खिंचवाना है, तो बेटा हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। पहले हमने खूब एक क्वेश्चन करवा दी, अब थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो इस हिसाब से, ठीक है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट, ठीक है बेटा। देखो कौन सा कराऊँ, सारे एक जैसे हैं, चलो ये कराता हूँ। ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई 2005 में, पहले का सिक्स पार्ट देखो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कर दें स्टार्ट। देखो ऊपर क्या, उससे छोड़ो, नीचे देखो तीन फैक्टर, तीनों कैसे लीनियर फैक्टर्स हैं, सब में पावर वन वन है, तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन बन गया।
तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व करने के लिए, देखो लेट मानेंगे लेट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे जो भी इंटीग्रेशन करना है उसको उसे को सारे को इस सारे को लिखो पहले तो अच्छे से, ठीक है। ठीक है बेटा एक बार मैं रकम चेक कर लूँ, कभी रकम में गलती कर दी हमने ना, सही है। इसको हम क्या मानेंगे ए अपॉन पहला फैक्टर क्या है यहाँ पे एक्स माइनस वन, फिर बी अपॉन दूसरा फैक्टर एक्स प्लस टू, फिर सी अपॉन तीसरा फैक्टर। एक फैक्टर होता तो डी अपॉन मान लेते हैं, ये वाला फैक्टर नहीं होता तो ए और बी ले लेते बस, ये छोड़ देते, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट टाइप का सवाल है तो इसको हमने यहाँ से करके मान लिया, कोई दिक्कत। अब ये तो शुरुआत है, अब क्या करना है यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का जो तरीका वो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। एक तो ये तरीका क्या कि आप इस सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम ये आएगा लेफ्ट साइड में जो एलसीएम वो आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं जाता, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है डिनोमिनेटर में वो यहाँ लिख देंगे एलसीएम हो जाएगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। मैं तुम्हें क्या कराऊँगा, मैं आपको एलसीएम लेके निकल रहा हूँ, मैं आपको क्या करा रहा हूँ इससे सबको गुणा कर दो, ठीक है। या एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम से एलसीएम कट भी जाएगा, तो मैं सीधा एक पार्ट करा रहा हूँ, क्या मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और एलसीएम को फिर काट भी दिया मैंने, तो यहाँ से एलसीएम कटेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ भी यही एलसीएम आएगा तो ये दोनों आपस में कट देंगे। जो ऊपर ऊपर जो टर्म्स आएंगे वो क्या कहेंगे वो बताता हूँ, या तो ये बचेगा क्या कहो ए इंटू ये यही एलसीएम आएगा तो क्या होगा ये कट देगा ये और ये बचेगा, तो ए के गुणा में क्या होगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आएगा, इसको कटिंग ऐसे कर देगा ये और ये फैक्टर बनेंगे। बी के गुणा में क्या आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको ऐसे काट देंगे ये बचेगा सी, सी के साथ क्या होगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये आ गया अपना फैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें बारी बारी पुट कर देंगे लो, तो पुटिंग कर देंगे पहले एक्स माइनस वन को जीरो के कुल करेंगे, तो एक्स के लो क्या आ गया यहाँ पे वन, ठीक है। मतलब इन इसको जीरो की कुल पुट करेंगे ए की वैल्यू आएगी, इसको जीरो की कुल पुट करेंगे बी की वैल्यू आएगी, इसको जीरो की पुट करेंगे सी की वैल्यू आएगी। कैसे देखो ध्यान से, तो पहले मैंने इस फैक्टर को जीरो के कुल रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई वन आएगी, वन रख दो ना इसमें जहाँ एक्स वहाँ पर रख दो वन, ठीक है। टू इंटू वन टू माइनस वन आएगा, रखेंगे वन तो ए इंटू वन प्लस टू थ्री, वन में क्या टू थ्री माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ क्या वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी बस। तो यहाँ से क्या बताओ वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए है ना, तो ए कितना हो गया यहाँ पे माइनस वन माइनस सिक्स आ गया ए, इसको पुट करा तो ए आ गया। अब सिमिलरली अगला फैक्टर देख लो, इस रखें जीरो के इक्वल, तो एक्स के लिए कितनी आ गया यहाँ पे माइनस टू आ जाएगी, माइनस टू रखें यहाँ पे माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, माइनस फोर माइनस वन माइनस के फाइव आ गया लेफ्ट साइड में, तो माइनस टू प्लस टू जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा। क्या रखो बी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस के फाइव आ जाएगा, तो बी कितना होगा यहाँ पे बताओ माइनस के फाइव अपॉन प्लस के पंद्रह आ गए, तो बी के लिए यहाँ पे माइनस का वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे बताओ, फिर आगे ले देखो पुटिंग एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स के लिए क्या गया थ्री, फिर कर यहाँ पे थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स में गया वन फाइव, ठीक है। यहाँ रखेंगे थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो रख देंगे एक्स का थ्री, तो सी थ्री में गया वन टू, थ्री प्लस टू फाइव कर लो, तो सी के लिए आगे बताओ वन बाई टू आ गया, सी कितना आएगा वन बाई टू आइए पाँच से पाँच कर देगा। ए बी सी निकाल दिया, बारे बारे इन फैक्टर को जीरो के कुल पुट कर देंगे, वहाँ से ए बी सी को ले जाएगी, पता लगा कैसा है। अब ए बी सी को ले इसमें रख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी के लिए रख देंगे अपने आप, ठीक है। देखो ए ए के लिए कितने यहाँ पे माइनस का वन बाई सिक्स, और आगे क्या है अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी, बी के लिए क्या है माइनस वन बाई थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, सी सी के लिए क्या है वन बाई टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे डिवाइडिंग ना सॉरी अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग ना सॉरी क्या करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जगह पेज नंबर 83 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग
बहुत सारे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो 2x-1 / x-1 × x + 2 इंटू क्या होगा x-3 dx, क्या यहाँ पे -1/6 बाहर, चलो बाद में निकाल देंगे, इसका लगाओ इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 / x-3 dx, ठीक है। क्या अगर हमने सबके साथ 1/3 लगा दिया ना, इंटीग्रेशन कर दिया, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1/, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x-1, क्यों, 1/linear आई, तो 1/linear क्या होता है, log ऑफ लीनियर अपॉन डेरिवेटिव लीनियर, इसको कर देंगे 1/3 बाहर, log ऑफ x + 2, ठीक है। अब तो 1/2 बाहर निकाल देंगे, log ऑफ x-3 + 3, ठीक है, ऐसा कर देंगे, मतलब कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन तो देखो एक लाइन का हो गया, ठीक है, इसलिए क्या है, आसान एक्सरसाइज, ठीक है। फर्स्ट के सारे सारे पार्ट ऐसे ही हैं, सब में देखोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर सारे हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, सारे एक जैसे टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट। सेकंड में भी यही टाइप है, ठीक है, तो सेकंड का मैं आपको एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है, सेवन देख लो, सेवन, ठीक है। तो ये टाइप वाइज मैं आपको दो दो क्वेश्चन करा देता हूँ, आप आराम से कर लोगे बेटा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक और देखो क्या कहते हैं, देखो जैसे ये देखो क्या कहता है, x² + 8x + 4 अपॉन, नीचे क्या लिखा हुआ, x³ - 4x, ठीक है। ये सब में दो दो फैक्टर हैं, लेकिन मैं तुम्हें तीन तीन फैक्टर वाला करा रहा हूँ, ठीक है, टाइप एक ही है, ध्यान रखना, इसको सॉल्व करना बेटा, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो क्या मैं इसका फैक्टर बना दूँ, तो क्या मैं इसका दूँ बेटा, x² + 8x + 4, अच्छा ये देखो ऊपर छोटी पावर नीचे बड़ी पावर, तो डिवाइड कर नहीं सकते, अगर पावर सेम होते तो पहले डिवाइड करते फिर सॉल्व करते, बड़ी पावर होती ऊपर तो भी हम क्या करते, पहले डिवाइड करते और फिर सॉल्व करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, एक्स को मैं निकाल दिया तो ये आएगा, अगले पर क्या करेंगे बताओ, ये आई मान लेते हैं, तो x² + 8x + 4 अपॉन, अच्छा इसको कैसे लिखोगे, x-2 × x + 2 कर सकते हैं, ठीक है, इसे फैक्टर क्या होंगे, x-2 × x + 2 कर सकते हैं। तो ये देखो तीन फैक्टर बनेंगे ना, 1, 2, 3, तीनों फैक्टर कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, कैसे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट लेट तक, इसको मानेंगे क्या, वही टाइप बन गया फर्स्ट टाइप, तो क्या करेंगे इसको, ए अपॉन पहला फैक्टर, हाँ भाई, बी अपॉन सेकंड फैक्टर और सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ये मानेंगे, कोई दिक्कत आ गई बात समझ में, अब वही टाइप स्टार्ट हो गया फर्स्ट। अब क्या करना है, अब आपको पता ही क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड्स, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, जो बचेगा वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम ये आएगा तभी तो वो कटेगा, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे सीड वाइड, एक्स कट जाएगा, ये दोनों फैक्टर बचेंगे, तो ए के साथ क्या होगा, x-2 × x + 2 आएगा, इसको कर देंगे इससे भाग, x × x + 2 आएगा, वो आएगा बी के साथ, तो बी के साथ क्या होगा, x × x + 2, इसको देंगे इससे भाग, ये बच जाएगा, इसको करेंगे सी से गुणा, तो क्या होगा, cx × x - 2 किया जाएगा, आगे अब क्या करेंगे बताओ, अब बताए शुरू, अब क्या करेंगे बताओ, अब ए बी सी को निकालनी है हमें, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, इन फैक्टर्स को बारे बारे जीरो के को लिखेंगे, पहले मैं ये वाला फैक्टर रखा हूँ जीरो, एक्स जगह रखूँगा जीरो, तो रखो इसमें जीरो, जीरो जीरो चार आएगा लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाओ जहाँ एक्स है वहाँ पर रखेंगे जीरो, तो जीरो में गया 2 - 2 बचेगा, जीरो में जोड़ेंगे 2 आएगा, और यहाँ देख रखेंगे जीरो, जीरो होना समथिंग जीरो, जीरो होना समथिंग जीरो, सब जीरो जाएंगे, तो एक लिख गया यहाँ पे -4 क्या आएगा बटे में, एक लो माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x-2 रख रखेंगे जीरो के इक्वल, एक्स के 2 आ जाएगी, 2 रखते हैं यहाँ पे, 2² = 4, 2 × 8 = 16 + 4 2,
2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 0, ये दोनों तो जीरो बन जाएंगे, इसमें रहते जाए एक्स वहाँ पे टू, तो बी इंटू टू या 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो अपना 20 अच्छा 24 इक्वल टू 8b, तो b के लिए क्या यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे फैक्टर, पुटिंग एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की जगह माइनस टू रख देंगे, तो इसमें रखेंगे माइनस टू का स्क्वायर 4, 8 इंटू माइनस टू माइनस 16 प्लस 4, ये रखेंगे जहाँ एक्स प्लस टू वन, तो ये तो जीरो जगह, ये भी जीरो जगह, ये भी जीरो जगह, इसमें रख के देख लेना जीरो आएंगे, इसमें रखेंगे सीधा इसे रखेंगे माइनस का टू, तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है 8, 8 में गया 16, माइनस का 8 बचेगा, क्या होगा 8c आ जाएगा, सी के लिए क्या यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, आगे ए बी सी वैल्यू, ए के लिए इसमें, बी के लिए यहाँ, सी के लिए यहाँ रखेंगे, तो क्या होगा अपने पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए ए दे रखेंगे माइनस वन बाई एक्स, बी बी दे रखेंगे 3 और सी दे रखेंगे -1। ठीक है, ये आ गया वैल्यू रख दी मैंने, अब क्या क्या लिखो बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो चलो एक जैसा पार्ट सबसे आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसको करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी डी एक्स के साथ में, और यहाँ लिखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो मतलब डी एक्स लगेंगे साथ में, इसको कर देंगे -1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, 3x-2 का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, माइनस बाहर एक्स कर दो भाई, माइनस बाहर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स। ठीक है, 3 बाहर इसको क्या होगा लॉग ऑफ x-2, इसे क्या होगा लॉग ऑफ x-2। ठीक है, x+2 है यहाँ पे और प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया, कौन सा हो गया सेकंड का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात तो है नहीं, बिल्कुल आसान पड़े। ठीक है, तो ये कर देना, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप नंबर सेकंड। ठीक है, पेजेस भी ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं, पेज में बदल लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं करना था, ये दूसरा पेज है 83 हो गया, चलो आगे कराता हूँ, पेज नंबर 84। ठीक है, तो हमने दो टाइप कंप्लीट कर दी है, अब थर्ड टाइप, अरे थर्ड क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले आप थर्ड तो बिल्कुल अलग टाइप है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड टाइप में तो आती, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है पूरा, ये तो हैं सारे पार्ट तो करने फर्स्ट टाइप से, सेकंड क्वेश्चन आता है सेकंड टाइप का। ठीक है, वो मैं सेकंड ना जो फोर्थ क्वेश्चन उसमें सेकंड टाइप है सारी वो बताता हूँ, तो इसके दो करा देता हूँ कोई भी। ठीक है, तो मैं कौन सा कराऊँ, फर्स्ट सेकंड देखना तो जो टिपिकल से लगेगा वो कराऊँगा। ठीक है, चलो ये कराता हूँ चौथे का पाँचवा पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसकी मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ जाएगी, तो ये बताता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीमेट 2x+3 dx, ये सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या टाइप है, ऊपर देखो, नीचे तो इसकी पावर 2 आएगी मैक्सिमम, इसकी गुणा करें तो पावर 3 आएगी मैक्सिमम, इनकी मल्टीप्लाई करें तो ऊपर पावर 2 है, तो ऊपर छोटी पावर नीचे बड़ी पावर है, तो डिवाइड वाला कंसेप्ट तो इसमें लगेगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, है ना, तो अपन क्या करेंगे फिर, कौन से टाइप है देखो, नीचे देखो ये लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ पावर आ गई, तो जो लीनियर के ऊपर पावर आ जाए तो यहाँ पर जैसे पावर लग रही है ना, तो कौन सा टाइप है, ये सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप कैसे मानेंगे, ए अपन फर्स्ट फैक्टर, बी अपन सेकंड फैक्टर, सी अपन इसकी पावर 2 हो जाएगी, फिर डी अपन इसकी पावर 3 हो जाएगी, ऐसा करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट ठीक है, ये सेकंड टाइप है, अगर पावर नहीं तो फर्स्ट टाइप बन जाती है, पावर आ गई तो क्या है सेकंड टाइप है, क्या कर रहे हैं, ए अपन ले लेंगे एक्स प्लस 1, ओके
बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, हाँ अगेन दो पावर, तीन पावर होते तो क्या करते हैं सी अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब और ले लेते हैं, लेकिन बस इसमें दो ही पावर थे तो इस दोनों का तो काम हो गया, अब बच गया ये फैक्टर, तो क्या हुआ सी अपॉन, ठीक है ऐसे मान लें। तो अब हो जाए शुरू, तो अपन क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, अब यही एलसीएम आएगा सेम, तो एलसीएम से तो एलसीएम कट ही जाएगा, तो एलसीएम मत लेना क्यों टाइम वेस्ट करते हो, तो सीधा करेंगे इसको देंगे सेट करेंगे डिवाइड, तो एक पावर कट देगी एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, वो आ जाएगा ए के साथ, एक साथ क्या हुआ एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री प्लस, अब करेंगे उससे डिवाइड पूरी पूरी पार कर जाएगी, टू एक्स प्लस थ्री बचेगा उसमें करेंगे बी से बना, तो बी के साथ क्या हुआ टू एक्स प्लस थ्री सी, इस वजह देंगे इससे बाकी कट जाएगा ये बचेगा इसमें करेंगे सी से बना, तो सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है सेकेंड टाइप में। और थर्ड टाइप में जो हम कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं ए बी सी की वैल्यू, वो पुट करके निकालते थे, इसमें पुट करने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक काम और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कंपेयरिंग भी करनी पड़ेगी, तो एक स्टेप हम और बढ़ाएंगे इसके अंदर कंपेयरिंग करने के लिए स्पेशली स्टेप बढ़ाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा ए तो यहाँ पर इन कर दो गुणा, क्या हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्या देगा फाइव एक्स प्लस थ्री, मतलब मैंने इसको गुणा कर दिया, देखो थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आएगा और प्लस टू एक्स पाँच एक्स हो गया प्लस थ्री, इन्हें गुणा कर लेना ये आएगा, ये तो यूँ कहें अगर सी इंटू इसका स्क्वायर खोल देंगे इसका स्क्वायर खोल के ये आएगा, ये तो पुट करने के लिए थी, ये कौन सी लाइन है कंपेयरिंग करने के लिए कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए, तो दोनों काम करना है, तो पहले पुट वाला काम कर लो, पुट के लिए ये लाइन याद है ना करो पहले पुटिंग, क्या करना पहला फैक्टर रखो जीरो भी करो इस रखो जीरो भी करो एक्स के लिए क्या यहाँ पे माइनस वन, तो इसमें जहाँ एक्स वन रखेंगे माइनस वन, तो रखो माइनस वन का स्क्वायर वन वन इंटू फाइव फाइव आ जाए अट्ठारह गुणा माइनस वन माइनस अट्ठारह आ जाएगा प्लस सत्रह, क्या रखेंगे माइनस वन प्लस वन के बाद जीरो तो सारा जीरो हो जाएगा, रखेंगे माइनस वन टू इंटू माइनस वन माइनस टू में जोड़ेंगे थ्री वन आ जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन जीरो, तो क्या हुआ सत्रह पाँच बाईस बाईस में क्या अठारह चार बचेगा चार बी के वाले चार, ठीक है अगला फैक्टर इसको रख देंगे जीरो के कॉल, इसको जीरो के कॉल रखोगे तो एक्स के लिए माइनस वन ही आ गए और माइनस वन से फिर बी आ गया दोबारा से, तो इसको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको फिर रखोगे जीरो के कॉल तो बी के वाले चार आएगी बस, तो बी के हम निकाल देते इसका पुट करने का क्या फ़ायदा, अगर रखो इसको रखेंगे जीरो के कॉल एक्स के लिए कितने यहाँ पे माइनस थ्री अपॉन टू आ जाएगा, इसमें जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे माइनस थ्री बाई टू, ये पुट करने के लिए रखो यहाँ पे फाइव इंटू माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर क्या होगा नाइन बाई फोर अट्ठारह इंटू माइनस थ्री बाई टू प्लस सेवनटीन, जहाँ एक्स था वहाँ मैंने माइनस थ्री बाई टू रख दिया, इसमें रखेंगे आप अच्छा देखो ये कैसा टू एक्स प्लस थ्री इसमें जीरो, तो जिसमें टू एक्स प्लस थ्री है वो तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा, सीधे इसमें रखेंगे माइनस थ्री बाई टू प्लस एक्स माइनस थ्री बाई टू प्लस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है फोर्टी फाइव बाई बाई फोर कट जाएगा ना माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस सेवनटीन, ये क्या होता है यहाँ पे माइनस वन बाई टू बचेगा भाई इसमें से कटा देंगे, क्या होगा फोर्टी फाइव अपॉन फोर माइनस ये क्या बचेगा दस बचेगा चालीस पैंतालीस में गया चालीस पाँच बटे चार हो जाएगा क्या सी का कर देगा सी के लिए फाइव आ गया सी आ गया बी आ गया, पुट करने से सिर्फ हम सी और बी निकाल पाए और तो कोई पुट करने के लिए बचा ही नहीं फैक्टर, तो क्या हो गया हम दो ही चीज़ निकाल पाए बी और सी की वैल्यू, अब क्या करना हमें क्या रह गया ए और रह गया, तो पुट करने वाला काम ख़त्म, तो अब क्या करेंगे ए निकालने के लिए कंपेयरिंग कर देंगे, देखो इन कंपेयरिंग ले रही ये लाइन है इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म भी आ रही है एक्स की टर्म भी आ रही है कॉन्स्टेंट भी आ रहा है, किसी को भी को कर लो पुट, चलो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कर लेते हैं एक्स स्क्वायर कर रहे थे एक्स स्क्वायर पर, ठीक है तो लेफ्ट साइड में क्या एक्स स्क्वायर की जगह सात पाँच है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है पाँच, इसका कोएफिशिएंट तो पाँच आया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है देखो टू इंटू में ए टू ए आ गए ऐसे करेंगे तो टू ए एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर के साथ टू ए आया, इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं छोड़ दो उसको, यहाँ क्या होगा सी एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा सी आएगा सी आएगा,
ठीक है, सी के रहता हूँ ना ये, ठीक है लोग, पाँच रख देंगे यहाँ पे, पाँच घटा देंगे इसमें, तो क्या हुआ जीरो इक्वल टू पाँच, हाँ पाँच माइनस पाँच जीरो देगा, ठीक है जीरो, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सबके वैल्यू हम निकाल दें, सबके वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है, सबके वैल्यू क्या करेंगे इसमें रख देंगे और अपना क्वेश्चन स्टार्ट अपना बता दें। मेरे ख्याल से अब तो दिक्कत नहीं है, पूरा कराऊँ, चलो मैं पूरा ही करा देता हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो थी नहीं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, करो स्टार्ट, ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, इसमें रख दो वैल्यू, हाँ भाई रखो वैल्यू, देखो भाई इसमें रखेंगे, तो कह रही है फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन में 5x² प्लस में 18x प्लस 17 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2x + 3, या देखें ए, देखो यार ए, ए की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, बी, बी के लिए कितने पे 4, 4 अपॉन क्या होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ सी, सी के जगह क्या रखूँगा 5 रखूँगा, 5 अपॉन 2x + 3, ये आ गया, ठीक है बेटा, ए बी सी के लिए रखिए फर्स्ट इक्वेशन में, अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, चल तो ये लिख देंगे अपन, करो स्टार्ट, तो जीरो हो जाएगा, तो सारा जीरो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे इंटीग्रेशन ले लो, ऐसे कर देंगे इंटीग्रेशन ले लो, ठीक है बेटा, जैसे 4 बार अच्छा क्या लीनियर है, तो इसको हम क्या करेंगे लीनियर को पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है 1 बाई लीनियर हो जाएगा, चलो ठीक है कॉन्टिन्यू वाले बाहर निकाल, अब करो स्टार्ट, लीनियर के ऊपर पावर क्या करेंगे लीनियर की पावर में जोड़ देंगे -2 जोड़ेंगे 1, -1 हो जाएगा अपॉन पावर प्लस 5, 1 बाई लीनियर कंडीशन क्या होता है लॉग ऑफ लीनियर अपॉन डेरिवेटिव लीनियर प्लस 2, तो -4 अपॉन हाई -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 5/2 लॉग ऑफ 2x + 3 प्लस 3, ये आंसर, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ऐसे आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना, ठीक है सिंपल है ना, ये आपका आंसर आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, ठीक है, तो सेकंड टाइप समझ में आ गया ना, एक और करा देता हूँ सेकंड टाइप का, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, रब कर लोगे आराम से, फोर्थ में सारे सेकंड टाइप ही है, ठीक है, कौन सा कराऊँ मैं आपको, ठीक है 8th में हिंट दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है तो मैं आपको यही करा देता हूँ, कौन सा 6th पार्ट करा देता हूँ, या ये करा दूँ 4th का 7th पार्ट करा दूँ, ठीक है 6th में, और वो बना लेना नीचे फैक्टर बना लेना, क्या बना नीचे फैक्टर बन जाएंगे, तो वो आप कर लेना, मैं आपको ये बता देता हूँ 7th, ठीक है तो आज इसको फिनिश कर दो, कल जो है कल इसको हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, ठीक है हो सके तो कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे अपन, ठीक है ये देखो क्या करना है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, कर दें स्टार्ट, तो अपन क्या करेंगे देखो यहाँ पे, देखो ये है ना लीनियर, ये लीनियर के ऊपर पावर आ रही है, तो सेकंड टाइप है, तो अपन क्या करेंगे जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसको मानेंगे ए अपॉन पहले फैक्टर के यहाँ पे x-1 प्लस, अब पावर है तो भाई बी अपॉन फर्स्ट पावर, पावर ए लगा देंगे, इसकी पावर 2 ले लेंगे सी अपॉन ये, फिर डी अपॉन क्या हुआ x-2 के पावर 3 लगा देंगे, है ना 1, 2, 3 पावर ऐसे करना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब क्या करेंगे टेकेंगे एलसीएम, ये एलसीएम लेंगे इसको ऐसे करेंगे डिवाइड, ये बचेगा इसको करेंगे ए से बना, तो ए इंटू क्या होगा x-2 का क्यूब, इसको करेंगे इसे डिवाइड, तो क्या होगा x-1 और x-2 की पावर 2 बचेगी, तो बी के साथ आ जाएगा, बी इंटू x-1 पावर 2 बचेगा, मैं क्या हुआ इसको करेंगे इसे डिवाइड, 3 में से 2 पावर कर देंगे, 1 पावर कर देंगे, x-2 बचेगा x-1 बचेगा, सेव कर देंगे x-1 इंटू x-2 से बना, और इसको करेंगे इसे डिवाइड क्या होगा कट जाएगा, डी कर देंगे x-1 से, या
ठीक है भाई, पक्की बात है ना? ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे। इसे खोल देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब का होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी, ये ले लो ठीक है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ये आएगा बेटा ठीक है। मैंने इसका क्यूब खोल दिया, सीधी सी बात ये आपको आता ही है, इनको तो मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ, फिर अपन यहाँ लिख देंगे ठीक है। देखो x माइनस वन और इसका स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, करोगे मल्टीप्लाई, x क्यूब आएगा प्लस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, फिर क्या बताओ फोर एक्स, नहीं पहले मैंने x स्क्वायर किया अगर सबको कर दिया, अब वन से करेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर और प्लस फोर एक्स आएगा, तो क्या ये एक्स क्यूब और ये जुड़ जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एट एक्स और माइनस फोर, ये गुणा आएगा, तो लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर, इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा। अच्छा इसको कर दोगे प्लस माइनस सी, इसी गुणा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और डी इंटू में एक्स माइनस, ये आ जाएगा ठीक है। ये जो लाइन थी ये किसके लिए थी, ये जो जो रो है किसके लिए, सिर्फ पुट करने के लिए, और ये कौन सी है कंपेयरिंग करने के लिए ठीक है। तो अपन कर देंगे पुटिंग, तो पहला वेक्टर यहाँ पे एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर वन आएगी। अगर आप पुट करके नहीं करोगे, सारे कंपेयर करके चेक करोगे ना, तो बहुत टिपिकल काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पुट करके कर लो थोड़ा सा ठीक है। तो एक्स की जगह रखेंगे वन, वन का क्यूब क्या आएगा वन, वन प्लस टू क्या होगा थ्री, यहाँ रखेंगे वन में से क्या टू माइनस वन, माइनस वन का क्यूब क्या होगा माइनस ही आएगा, माइनस थ्री एक क्या यहाँ पे माइनस थ्री आएगा ठीक है पक्का। अब क्या करेंगे पुटिंग करेंगे क्या अगला फैक्टर, एक्स माइनस टू का रखेंगे सिर्फ ऊपर, एक्स के लिए टू आएगा तो टू रखेंगे यहाँ पे, टू का क्यूब क्या होगा एट, एट प्लस टू क्या होगा टेन, लेफ्ट साइड में टेन आएगा, तो रखें टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो सिद्ध यहाँ आएगा, टू में गया वन, वन बचेगा तो डी के लिए कितना गया दस आ गया, डी आ गया दस। अगला फैक्टर इसको रखें जीरो के इक्वल, कोई फायदा नहीं क्यों, क्योंकि एक्स वे टू ही आएगी बस, तो एक्स वे टू से तो फिर यही वैल्यू आएगी सेम, डी की वैल्यू आएगी दस, इसको पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपने दो फैक्टर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू को पुट करा, दो वैल्यू आ गई, ए और डी तो आ गया, बी और सी नहीं निकाल पाए हम, तो अब क्या करेंगे कंपेयरिंग कर देंगे, तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट कैसे कर दो, चलो पहले एक्स क्यूब का करता हूँ ठीक है। लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब के साथ क्या देखो वन है, वन रहा देखो ए एक्स क्यूब, तो एक तो ए आ गया एक्स क्यूब के साथ, बी एक्स क्यूब तो बी आ जाएगा, और तो कहीं आएगा नहीं, और तो कहीं एक्स क्यूब है नहीं, छोड़ दो, ए की वैल्यू निकाल रखी है हमने कितनी माइनस थ्री निकाल रखी है, अरे ए की वैल्यू माइनस थ्री लगा रखी, तो बी क्या होगा वन प्लस थ्री हो जाएगा, बी की वैल्यू चार आ जाएगा, बी आ गया एक्स क्यूब कर दिया। अब क्या करेंगे हम एक्स का कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कर लो, चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर लो मैं यहाँ पर ठीक है, एक्स स्क्वायर करो इधर क्या एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो लेफ्ट साइड में जीरो है, फिर एक्स स्क्वायर होता तो जीरो, यहाँ क्या होगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा माइनस सिक्स ए, यहाँ क्या माइनस फाइव बी है ना भाई, यहाँ क्या होगा बताओ प्लस माइनस सी आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस का तीन, तो माइनस छः गुणा माइनस तीन क्या होगा प्लस के अठारह जाएगा, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं बी की दे तो रखिए चार, तो चार पंजाब बीस, बीस हो गया तो बीस हो गया माइनस का बीस प्लस का सी, अठारह में गया बीस माइनस का दो, इधर क्या होगा प्लस का दो हो जाएगा, सी आ गया तो सबकी वैल्यू आ गई, ए बी सी डी वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन का फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट तक जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे, जहाँ ए वहाँ पर ए के लिए रखेंगे, ए की जगह रखेंगे माइनस का थ्री, बी के लिए कितनी यहाँ पर फोर, सी के यहाँ पे टू है तो टू अपन एक्स माइनस टू का स्क्वायर देगा, और है डी, डी के वैल्यू क्या है दस, दस बटे एक्स माइनस टू का ठीक है बेटा। अब कह रहे हैं सर की वैल्यू रख दी, क्या कर दें
इंटीग्रेटिंग बहुत सारे तंत्र इंटीग्रेशन करते हैं और विद रेस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर लिखना, ठीक है। तो मैंने आपको दो टाइप करा दिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, डाउट्स आए तो मुझसे पूछना, कर देते हैं। मैं पहले पहले लिख देते हैं, पहले इंटीग्रेशन का सिंपल लगा देता हूँ मैं, फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा होती क्या होगा, कॉन्स्टेंट से हम बाहर निकालते जाएंगे और फिर बच गया उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। और माइनस तीन बाहर और वन अपॉन लीनियर हो जाए, क्या होगा, लॉग ऑफ लीनियर अपॉन डायरेक्टिव लीनियर और करके देख लेना, वन ही आएगा। ये भी क्या होगा, फोर बाहर लॉग ऑफ लीनियर, ये लीनियर नहीं है तो क्या करेंगे, इसके पावर को ले जाओ ऊपर, लीनियर की पावर माइनस टू हो जाएगी, तो क्या करेंगे पावर में जोड़ देंगे अपन पावर कर देंगे, इसी तरह इसको कर देंगे दस, तो ये हो, हाँ इसको तो कर देंगे एक्स माइनस टू की पावर माइनस थ्री, तो पावर में जोड़ देंगे अपन पावर कर देंगे, ठीक है। तो माइनस थ्री और ठीक है, ये क्या होता है माइनस टू आई माइनस टू और ये पावर नीचे जाएगी एक्स माइनस टू पॉजिटिव, ये क्या माइनस पाँच आइए गुना में पाँच गुना, ठीक है। तो दो टाइप मैंने करवा दी हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना मेरे से, ठीक है। इसी के साथ ही ये दो टाइप ख़त्म, ये वीडियो भी फिनिश करते हैं। अगले पार्ट हम अगले जो एक टाइप बच गई या और जो पार्ट बच गए वो सारे अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। इसमें इतने करना।